गरीब का 10 रुपीज नूडल्स। एक गांव में चंदन नाम का एक मजदूर हुआ करता था। चंदन अपना काम खत्म होते ही 10 रुपए में कोई ना कोई मिठाई खरीद कर साइकिल चलाते हुए अपने झोपड़ी को आता था। शाम को झोपड़ी के बाहर उसकी बेटी चारू पिता के लिए इंतजार करते हुए बैठती थी। चंदन अपने बच्ची को वो मिठाई का पूड़ा देता था। उसकी बेटी बहुत खुशी से मिठाई खाती थी। चंदन की पत्नी का देहांत होने के बाद से चंदन ही अपने बेटी का ख्याल रखता था। एक बार चंदन चारू को बाजार ले गया। वो लोग एक नूडल्स के दुकान के पास से गुजर रहे थे। चारू चंदन को रोक कर, पिताजी मुझे वो खाने का मन कर रहा है। दोनों उस नूडल सेंटर के पास गए। भाई ये एक प्लेट दो। नवीन उन दोनों को नीचे से ऊपर तक देखकर, तुम्हारे पास पैसे है क्या? ये क्या भाई आप ऐसे पूछ रहे हैं? बिना पैसों के ही हम यहाँ आएंगे क्या? कम से कम ये कितने के हैं? ये तो भी पता है क्या तुम्हें? नहीं पता, इसका नाम भी हमें नहीं मालूम है। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए के होंगे, बस उतना ही ना, दे दो। मैंने इसीलिए पूछा था तुम्हें, इन्हें नूडल्स कहते हैं। इनका दाम प्लेट 120 रुपए से 180 रुपए तक होती है। तुम्हारे जैसे गरीब लोग ये नूडल्स नहीं खरीद सकते। इतना कीमती है क्या? इसे सोने से बनाते हो क्या तुम? ठीक है मेरी बेटी पूछ रही है ना, दे दो। अरे पिताजी रहने दीजिए, वो तुम्हारे एक दिन के मजदूरी के पैसे जितने हैं। छी, तुम्हारा ये नाटक बंद करो। मैं तुम्हें नूडल्स बेचूंगा ही नहीं। तुम्हारे जैसे गरीब लोग मेरे दुकान में खाए तो यहाँ कोई खाने नहीं आएगा। पहले जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाया। चंदन और चारू बहुत दुखी हुए। थोड़े दिनों के बाद चंदन नवीन नूडल सेंटर के सामने अपना साइकिल खड़ा किया। साइकिल के पीछे एक बड़े से हांडी में नूडल्स थे। साइकिल के सामने नूडल्स सिर्फ 10 रुपए में, कहकर एक बोर्ड लिखकर रखा था। आइए भाई आइए, स्वादिष्ट नूडल्स सिर्फ 10 रुपए में ही है। आपको पसंद नहीं आए तो पैसे वापस, कहकर पुकारने लगी। वो देखकर नवीन मन ही मन में मुस्कुराने लगा। इतने में थोड़े गरीब लोग उनके साइकिल के पास आए। चंदन उन्हें प्लेट में नूडल्स डालकर दिया। वो लोग नूडल्स खाने लगे। भाई मैं आए दिन उस नूडल सेंटर की ओर बड़े आस से देखता था। जिंदगी में कभी मैं उन्हें खा नहीं पाऊंगा कहकर सोचता था, मगर आप सिर्फ 10 रुपए में ही इतना स्वादिष्ट नूडल्स बेच रहे हो। आपका धन्यवाद कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम्मा आपको पसंद आया ना, मुझे वही काफी है। हमें मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता, मगर धनवान और गरीब लोगों के खाने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए कहकर मेरा उद्देश्य है, इसलिए हम इतने कम दाम में नूडल्स बेच रहे हैं। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है। ऐसे उसके पास गरीब लोग लाइन में खड़े होकर नूडल्स खाने लगते हैं। थोड़े दिनों के बाद मध्यवर्गीय और अमीर लोग भी उनके साइकिल के पास आकर नूडल्स खाने लगे। बहुत मना करने पर भी वो लोग चारू को पैसे ज्यादा देते थे। लोग नवीन के नूडल सेंटर को आना बंद कर दिए। एक बार नवीन चंदन के साइकिल के पास जाकर, ये कैसा जादू है भाई, मैं इतना अच्छा सेटअप रखकर अलग अलग किस्म के नूडल्स बनाता हूँ, फिर भी तुम्हारे साइकिल पे बेचने वाले 10 रुपए के नूडल्स को खाने के लिए लोग उमड़ के आ रहे हैं। तुम्हें नूडल्स का नाम भी पता नहीं है बोले थे ना, तो फिर इतना स्वादिष्ट नूडल्स कैसे बना पा रहे हो? ये सब मेरे बेटी का कमाल है जी। एक बार ये 10 रुपए के मैगी पैकेट खरीद कर लाई, वो नूडल्स बनाकर मुझे इसका थोड़ा स्वाद चखाई, तभी मैंने हमारे जैसे गरीबों के लिए भी स्वादिष्ट नूडल्स खिलाना चाहा और नूडल्स कैसे बनाते हैं सीखा। हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करके घर में एक मसाला बनाए। नूडल्स में कुछ नहीं डाले तो भी एक अच्छे मसाले के मदद से इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं कहकर हमने पता किया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये लोगों को बहुत पसंद आई। लोग सेटअप और बिल्डअप देखकर नहीं आते हैं जी, जहां स्वाद अच्छा रहता है वहां आते हैं बस। नवीन को बात समझ आ गया और वो उन्हें नमस्कार किया। ऐसे चंदन और चारू स्वादिष्ट नूडल्स साइकिल पे बेचते हुए खुशी से जीने लगे।